फतेहाबाद के गांव बोसवाल में बिजली कनेक्शन काटने को लेकर कुछ ग्रामीणों और सरपंच के बीच आपस में झगड़ा हो गया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बता दें, गांव के सरपंच मीना कुमारी की शिकायत पर पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है। वहीं ग्रामीणों द्वारा सरपंच के साथ मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मारपीट करते नजर आए। पुलिस ने सरपंच की शिकायत पर गांव के 5 लोगों के खिलाफ जाति सूचक गाले देने और मारपीट करने का मामला दर्ज किया है। वहीं डीएसपी धर्मवीर सिंह ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक गांव बोसवाल में बीती 18 जनवरी यानी शुक्रवार को बिजली निगम के जेई ने एक ट्यूबवेल का कनेक्शन काट दिया था। जिन लोगों का कनेक्शन काटा गया, उनका आरोप है कि सरपंच की मिली भगत के चलते उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते उनका बिजली का कनेक्शन काटा गया। इसी बात को लेकर सरपंच और ग्रामीण आपस में भिड़ गए। फिलहाल अब पुलिस ने सरपंच की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उस संबंध में कल गुरु नानक पुरा चौके में मीना कुमार जो सरपंच बोसवाल की मौजूदा सरपंच है, उसकी तरफ से कंप्लेंट प्राप्त हुई है। भाई उसके साथ हो रहा है ये जो सरोज कुमार उसके लड़के उसकी घरवाली 4-5 आदमी ने मार पिटाई करी उसके घरवाले के साथ, उसके साथ तो उस संबंध में कल मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसमें से आरोप जाति सूची गाड़ियों को लगाई है, उसमें SC ST की धारा भी जोड़ी गई। तो क्या था पूरा मामला सर? ये थे अपना बिजली विभाग के जो सुभाष बहादुर अपना जेई और सतपाल सिंह लाइनमैन है, वो गए थे कि गांव में जो ट्यूबवेल कनेक्शन था सर उनके फादर के नाम से, वो उन्होंने आदेश जो इनके SDM थे उनके आदेश ही काट दिया गया था। उसकी सूचना देने के लिए ये सरपंच के गए थे। उनका गलतफहमी होगी भाई, ये सरपंच नहीं कट रहा कनेक्शन, इस बात को लेकर नरेंद्र झगड़ा हुआ था वहाँ। जल्दी प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा।